अस्सलाम वालेकुम व्हाट्सएप आर्मी, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बहुत से भी ज़्यादा बढ़िया होंगे। हाजिर पेश करता हूँ आपके सामने नई वीडियो के साथ। टुडे आई विल मेक ए रिएक्शन। किस पे कर रहे हो, मैं नाम ही भूल जाता हूँ, पहले देखना पड़ेगा। अच्छा जी, आज हम जिस पर रिएक्शन करने वाले हैं, जो टिकटॉकर हैं, उन टिकटॉकर का नाम है जन्नत मिर्ज़ा। जन्नत मिर्ज़ा भी कर रहे हैं, किसी और पे कर रहे हैं। हम जिस टिकटॉकर पे रिएक्शन करने वाले हैं सॉरी से, उनका नाम है मिस वाओ। सॉरी, मैंने जन्नत मिर्ज़ा नाम ले लिया, वो थोड़ा बहुत मिसिंग हो जाता है, 14 वीडियोस बनानी होते हैं, गब्बर यू नो ऑलवेज। सो यहाँ पर मिस वाओ के ऊपर रिएक्शन करने वाले हैं। दैट इज माय फर्स्ट टाइम आई मेक ए रिएक्शन ऑन मिस वाओ टिकटॉक वीडियोस। मिस वो नहीं, मिस वाओ है इनका नाम। ओके, सो अब इनका निक नेम है मिस वाओ। इनका ओरिजिनल नेम क्या है, मतलब जो रियल नेम है वो अगर आपको पता हो तो आप बता सकते हैं। फर्स्ट टाइम है तो मैं इनके बारे में कुछ जानता नहीं हूँ, देखने के बाद ही बाद में तबसरा करेंगे क्या सीन है क्या पार्ट है। अगर आपको वीडियो को भी बहुत अच्छा लगता है तो आप में से हर एक बंदे ने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, अवेलेबल है। अगर आप फॉलो नहीं करते दैट इज नॉट फेयर, गलत बात है। व्लॉगिंग वाले चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, आप में से हर एक बंदे ने उसको जाके चेकआउट मार लेना। मैं तो बोलता हूँ मैग्नेट बनकर उसके साथ जुड़ जाओ जाने मन। सो विदाउट एनी वेस्ट टाइम लेट्स बिगिन। मिस वाओ वीडियो इज हियर। जानू अम्मी कह रही है इस अदमे इत्माद के दौर में हमें तुम पे इत्माद है। जरा सोच के आयो साडे घर जनाब, महंगे सोफे महंगे बिस्तरे नहीं साडे कोल, असि गरीब लोग। अपनी अता से बुलवाइए ना। दिल कर दे जामे शीरी पीवा, आय अल्लाह। दिल कर दे हर घर में एक शख्स ऐसा जरूर होता है जिसका इफ्तारी से थोड़ी देर पहले मीटर शॉर्ट हो जाता है। हस्बैंड को बोल ले तौबा। तेरा हंसता हुआ चेहरा इतना उदास क्यों है? रोजा लग रहा है यार। हेलो कौन? आज आपकी इफ्तारी हमारी तरफ है। सच में? कि उनको कॉपी करने के लिए स्टार दबाएं। क्या यार, टिकटॉक वाले भी माशाल्लाह काफी। एक्टिंग अच्छी लग रही है बच्चे वाले इसपे। पाशपा हेलो, सलाम अलैकुम मरियम, तुमने इफ्तारी करवानी थी, मैंने कहा तुम्हें याद करवा दूं। कौन है? वे तेरा रोजा नहीं? मैं भूल गया सी यार। आजकल के लोग दोपहर को 2 बजे उठकर और 3-4 फिल्में देखकर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज रोजे का पता भी नहीं चला। हेलो गाइस, तो आज मैं उस बच्चे से दोबारा मिली हूँ जिसके साथ मैंने वीडियो बनाई थी और 2 मिलियन पे वो वीडियो गई थी, बहुत ज्यादा हम लोगों ने पसंद की थी। तो आज ये बच्चा मुझे दोबारा से मिला तो मैंने सोचा क्यों ना उसके साथ दोबारा से वीडियो बनाई जाए और उसको ताज़ा किया जाए उस याद को। तो अच्छा, बड़ा हो गया ये? बड़ा हो गया बॉस, इतना टाइम तो नहीं हुआ, जल्दी कैसे बड़ा हो गया ये? आप कितनी उम्र हो गई तब से? अच्छा, कौन सी वीडियो वायरल है, हमें तो कुछ भी मालूम नहीं है। तू कच्चे कच्च दी क्वीन बली है। कमाली गाड़ी लेके आओ। कमाली ने पहन देती। कमाली ने पहन देती तू ना, तो कमाली गाड़ी लेके आओ। पशु का ये सर और क्या मांगना बन्ना पर। हाँ भाई, रोजा रखे? नहीं। क्यों नहीं रखे? टेमो टाइम भुख लग जाती है। अच्छा जी, तो होर कल रखना है रोजा? कल रखोगे? पक्की गल है? वेल लियो, मैं फिर आ जाना तुहाडे कोल। इत्थे शादी आदी मर्जी ना करनी चाहिए है कि वालदान दी मर्जी ना? शादी होनी चाहिए है। जिवें मर्जी होवे, जिवें मर्जी होवे, पजा के नसा के लै जा, मैं आप नसा के लियांदी। मीम्स का पॉइंट मार दिया बंदे ने।
दोस्तों रमजान शरीफ का महीना है, मैनू अगर किसी ने इफ्तारी तो बुलाना होवे तो यह नहीं सोचना कि वड्डा स्टार है आएगा या नहीं आएगा, टाइम लेना पड़ेगा। भाई कोई मसला नहीं, बुलाना तुहाडा काम है तो पहुंचना मेरा काम है। नहीं हम नहीं बोल रहे ऐसा, हम नहीं बोल रहे। इधर आओ वो देखो रमजान का चांद नजर आ गया। याद में कोई बनाए रे हसी ताज महल, याद देखा होगा यकीनन, लेकिन आपने एक ऐसी चीज नहीं देखी होगी जो मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ एक ऐसी पिक्चर एक बादशाह की, अली नवाज बादशाह जो थे, 100 साल पुरानी वो तस्वीर है जो कि जहाँ आप जाओगे वैसे ही मूव करेगी। बहुत जरा दिखाना आप देखिए, जैसे हम साइड में जाएंगे, ठीक है बहुत साइड में जाओ, तो ये तस्वीर देखिए आप साइड में देखेगी आपको, ठीक है ये मूव करती है बाकायदा, ठीक है। और ये हम आ गए ये फ्रंट पे देखेंगे आप इस तरीके से, आप जहाँ घूम करेंगे ये वहीं पे देखेगी आपको, और ये साइड में आप देख सकते हो। और इट्स अनबिलीवेबल, जब मैंने ये सुना था और देखा तो मैं खुद शौक में आ गई, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को भी ये बात बताऊं और दिखाऊं कि ये वाकई में जो ये बादशाह की तस्वीर है ये मूव करती है। बाकी मेरे ब्लॉग में देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें। अल्लाह हाफिज़। हाउ इट्स पॉसिबल, नहीं यार मैं नहीं मानता, हो भी सकता है क्या बात। आज जो मेरी सहेली ने बेइज्जती हुई मरियम, टॉप ऑन टॉप। ये व्यूज किसी और के नहीं, मेरे हैं जनाब, क्योंकि मैं हूँ अब पाकिस्तान। सुन ले जवाना, पैसा जे कमाना विशे रदाई, मैं करदा नहीं प्यार तेनूं धोखा दित्ता। वो कौन सा रिस्क है जो सबसे पहले दुनिया से उठाया जाएगा? शहद। दुनिया में सबसे पहले मेहंदी का इस्तेमाल अल्लाह ताला के किस नबी ने किया था? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। वो कौन सी मस्जिद है जो जिन्नात ने बनाई? मस्जिदुल अक्सा। वो कौन सा काम है जिसे करने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना भी हराम है? कोई हराम? यार मैं इस बार तो स्कूल जा रहा। क्यों? टीचर आज फिर मेरी छुट्टी ले ली है। तो फिर तू की जाना है? बदला। इस बार गलती तुम्हारी है, चुम्मी का बदला तो मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैं तुम्हारी हूँ ना, तो गलती भी तो तुम्हारी हुई ना, माफी मांगो मुझसे। चलो जी आज साहब, तुम्हारी हूँ तो गलती भी तुम्हारी। यार क्या इमोशनली ब्लैकमेल मारती हूँ लौंडे। जवेरिया आज तो मेकअप करके सोनी लग रही है। थैंक। तू कच्चे कच्चे दी क्वीन बली है। संगीत सीखना है ऐसे, तुम्हें कैमरा अच्छा नहीं लगता? नहीं अच्छा लगता। क्यों? तो फिर वो क्यों कह रहे थे मोबाइल चोरी? मैं आशिक हूँ तेरा, तेरे बाप को बता। सारे बोलो बेवफा, उच्ची बोलो बे। कुछ भी ना कभी। हमारी यहाँ पर मिस वाओ की जो वीडियोस थी वो खत्म हो गई हैं। सो ये थी मिस वाओ जिनकी वीडियोस हम मुलाहजा कर रहे थे, देख रहे थे। अब अगर बात कर ली जाए तो मैंने फर्स्ट टाइम इनकी वीडियोस देखी हैं। वीडियोस के बारे में, हाँ वीडियोस ठीक ही बनाई हुई थी, मतलब कोई इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं थी, बेस्ट ठीक थी, अच्छी बनाई हुई थी। बट वो शाह, मुझे एक डाउट हुआ वो बादशाह की फ़ोटो पे, और किसी को कुछ पता है इस बारे में? अगर आपको पता हो तो आप बताइएगा ज़रूर, और आप में से कोई उस जगह गया हो तब भी वो ज़रूर बताइएगा, ताकि हमारी भी थोड़ी नॉलेज में बढ़ता है। हो सकता है यार ऐसे कैसे पॉसिबल है, अंदर से कुछ लगा हुआ कुछ समझ नहीं आ रहा, हो भी सकता है। बाकी मिस वाओ वीडियोज़ ठीक बनाती हैं, अच्छी बनाती हैं, और 5 मिलियन फॉलोअर्स थे इनके टिकटॉक पे, मैं तो देखकर शॉक्ड हो गया यार। मैं कहता हूँ स्किल्स वाले जो होते हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट किया करें आप लोग, जो बेचारे इतनी मेहनत करते हैं और आर्ट वर्क वगैरह बनाते हैं, उनके फॉलोवर ज़्यादा नहीं होते, उनको भी फॉलो किया करें साथ साथ में, भले इन लोगों को भी करें बट उनको भी किया करें, जो बेचारे बहुत अपने स्किल्स के ज़रिए आपको ट्रेन करते हैं, बट क्या करें, लोगों को एंटरटेनमेंट ऐसे देखने का शौक़ है।
खैर ओवरऑल बात करी जाए तो वीडियोस अच्छी बनाई हुई थी, बट बेस्ट पार्ट अगर वीडियो का बोलूंगा तो वो वाली है जिसमें वो लड़का कहता है कि गलती अब तुमसे हुई है, तो मैं सॉरी नहीं बोलूंगा, तुम बोलोगी, फिर लौंडिया, फिर वही लौंडिया नहीं बोल रहा मैं, मतलब मोहतरमा जो इमोशनली ब्लैकमेल कर ही देती हैं हर बात पे। ऐसे रिलेशनशिप्स में भी होता है कि भाई मैं तुम्हारी हूँ तो गलती तो मैं तुम्हारी हूँ तो सॉरी भी तुम्हें बोलोगे। खैर आप बताइए आपको बेस्ट पार्ट सबसे ज़्यादा कौन सा लगा, जो भी पार्ट बेस्ट लगा हो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ब्लॉगिंग वाले चैनल को जरूर चेकआउट मारिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफिज़।